बड़े दर आगे अब नहीं खा रही। बड़े दर मैं नहीं खा रही आज, मुझे जबरदस्ती जबरदस्ती मुझे खाना खिला रहे, मैं खा रहा ना। यहाँ हमारे कपड़े फैले हुए हैं और ये तैयारी हो रही है कोटद्वार जाने की कुछ इस तरीके से। मम्मी बोल रही है ये भी रख लो वो भी रख लो, और मम्मी देखो अभी यहाँ से और क्या क्या निकाल रही है। एंग यहाँ पे ये मेरी हरी हरी चूड़ियाँ। भाई कब जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मम्मी के चक्कर में। कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर, एंड ये तो ये बजाज ऑयल है। इससे ना आपका जो कंडीशनर है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अभी फ़िलहाल में मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे और आई डोंट नो धूप की वजह से आपको कुछ समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने आईब्रो सेट किया है, मस्कारा लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया, क्रीम लगाया, लिपस्टिक लगाया, एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। छत पे आई हूँ अभी ना, दिन का 1:30 बज रहा है, सो मुझे लगा यहाँ पे वीडियो अच्छा आएगा, एंड मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। और अभी जो आपने देखा ना अश्मित जी जो शर्ट लेके मतलब टी शर्ट लेके आए थे सेम, तो ये हम लोगों का सेम टी शर्ट था, तो अश्मित जी ने बोला कि मैं भी सेम पहनता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने एक्सेल पहन लिया जो उनका था और एम वो था, तो सेम टी शर्ट में ना यही प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम निकलने वाले हैं दीदी के घर, बाकी के अपडेट आपको चल के देते हैं, एंड मैं एक आध रील बना लेती हूँ पहले। उसके रवैयों ने मुझे उसके बगैर जीना सिखा दिया। तो गाइस आप पसीना देखो मुझे कितना हो गया भाई, मैंने एक मतलब 2 से 3 रील अभी शूट करी होगी, अब पसीने की हालत आप देखो। क्योंकि बात है पता क्या है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो अगर स्टार्टिंग में रील्स बन गई ना तो आपकी बन गई, और आप देख पाओगे कितना मुझे पसीना हो रहा है। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है हमारी, बस निकलना बाकी है। अश्मित जी नहा रहे हैं और ये हमारा ना सीढ़ी वाला पोर्शन है, पहले भी मैं यहीं पर मतलब फोटो वगैरह शूट करनी होती थी ना तो यहीं पर करती थी, तो अभी ना मैं थक गई हूँ। एंड मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं करा, पहले मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने यही वेयर कर लिया। सो गाइज अभी ना मैंने एक वायरल हैक आप लोगों के साथ शेयर करा है, तो अश्मित जी बोल रहे हैं ज़्यादा चिक्स ना ब्राइट लग रहे हैं, तो मैं अश्मित जी से बोल रही हूँ अश्मित जी आप ही ठीक कर दो मेरे ब्राइट चिक्स। अभी 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 इन्होंने बोला था कि तेल लगवा है हाथों में है, और वही तेल वाले गंदे हाथ मेरे हाथों में लगा रहे। बीवी का समझ में नहीं आता ना, कभी बोलती है क्या बोलती है चिक्की पिक्की चुक्कू। भाई इन्होंने अभी अपने सिर में ना ऑयल लगाया है और वही हाथ मेरे चिक्स पे लगा दिया। अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ करनी है आपको।
और मैं कब से बोल रही हूँ कि हम निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं, पर हम निकल नहीं रहे हैं। निकल चुके हैं घर से और आप यहाँ पे देखोगे मैं हूँ अभी चिन्मय डिग्री कॉलेज। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ऑटो रिक्शा का। मम्मी अभी तक नहीं आए हैं, अश्विन जी, मैं, हैरी आ चुके हैं, विशु अपनी नानी के साथ है, तो हम लोग उन लोगों का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हवा बहुत अच्छी चल रही है और साथ में यहाँ पे ये कुर्सी भी मिल गई थी बैठने के लिए, एक स्टूल भी था, तो हमने सोचा यहीं बैठ जाते हैं। बट मुझे लगा था कि यहाँ पे आके ना गन्ने का रस पी लेंगे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पुलिस वालों ने सबको हटा दिया है, यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, ना गन्ने का रस ना गन्ने का दूध, वहाँ मतलब दोनों ही चीज़ें एक होती हैं। बट जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, बट जो लेफ्ट साइड है ना कॉलेज के साइड वहाँ पर सब हटा दिया है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, पहले लेंगे ऑटो एंड स्कूटी भी है, और उसके बाद चंडीघाट के पुल से हम लेंगे टैक्सी या फिर बस, ठीक है, जो भी अवेलेबल होगा इस टाइम पे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हवा कितनी तेज़ आ रही है आप देख सकते हो, एंड हैरी हमारे यहाँ पे कुर्सी में बैठे हैं। हैरी आए कर दो, हाय। हैरी ऑटो दिखा रहे हैं कि ऑटो आ रहा है, और मेरे बाल ऐसे उड़ रहे हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। अभी ना मैं इनको क्या करूँगी ना, फोल्ड कर लूँगी ऐसे करके ना, क्लेचर लगा लूँगी, और बस बाकी तो आपको पता ही है कैसे हैं मेरे कर्ली कर्ली से बाल। ये जब पूरे कर्ली हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आधे से नीचे से स्ट्रेट है, ऊपर से कर्ली है। लोग सोचते हैं कि मैंने इस तरीके का हेयर स्टाइल बना रखा है, बट ये हेयर स्टाइल नहीं है, नेचुरल मेरे बाल हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकुल, और ऋषिकुल में लगा हुआ है मेला। तो अभी हम बैठ चुके हैं रिक्शे में। चलो बच्चों के लिए ले ले, हैरी कहाँ, हैरी हैरी ई हैरी ई, इतना समझ गया। बाल के साथ हम पहुंच चुके हैं शालू दीदी के घर। शालू दीदी, बाबा इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आए तुम। ढेर सारे धूल मिट्टी के बाद। सो गाइस अभी ना मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, बस सारू कह रही है मोसे अभी फ्रेश मत हो, चाय वगैरह पी लो, नाश्ता करो, उसके बाद हो ना। सो यहाँ पे आके बहुत अच्छा सा फील हो रहा है अभी मेरे को, और इनका भरत मिलन हो रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और मुझे नहीं किया, मुझे मिस नहीं किया इसने, हमको भी किया, उसको ज्यादा किया, मैंने तो सबसे ज्यादा मिस किया तुझे। तो भाई बच्चों ने मुझे गिफ्ट करा है, वो भी क्या देखो, और पहना दी मुझे इतने पतले पतले हाथों में ये स्मार्ट वॉच। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। कभी आपने भी दिया मुझे गिफ्ट? थैंक यू मेरा, मेरे पैसे बचाने के लिए। पर ये लूज हो रही है ना मुझे, वो लूज हो रही है, हाथ पतले हैं आपके। सो गाइस आई एम सो सो हैप्पी, एंड थैंक यू बच्चों के लिए जो मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। वाह, परी के लिए हम शॉर्ट्स भी ले आए। परी हमारी कैसी लग रही है बताओ, परी इसके साथ एक 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 और। रात के महारथी जा रहे हैं कचरा फेंकने। सो गाइस ये है हमारी दीदी की सोसाइटी, पिंक पिंक।
सो गाइस, खाना हमने खा लिया है बहुत ही मज़े से, एंड व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी उस टाइम पे क्योंकि ये था कि फैमिली टाइम स्पेंड करना है, एंड अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर टहलने के लिए। ठीक है, और ये शालू की सोसाइटी है, कुछ पिंकिश पिंकिश कलर की है ना। ओ अभी मेरे को पपीज भी हैं यहाँ पे ना, अभी दिखेंगे आपको। पर यार मैंने एक चीज़ भूल गई हूँ, मैंने अपना ट्राईपोर्ट लाना भूल गई, जिससे कि मुझे वीडियो शूट करनी थी। अभी याद आया आप लोगों से बात करते करते, और हम पहुँच गए थे टाइम से ही पहुँच गए थे। और अभी ना विशु के चोट भी लग गई है, पता नहीं कैसे लग गई, पता नहीं बच्चा खेल रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, खुला है ना, और पता है ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। तो चलो पहले थोड़ा सा टहल लेते हैं। सो गाइस, अभी ना नाइट में सोने की तैयारी हो रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और कल का व्लॉग देखना मत भूलना। थैंक यू।